अभी मेरे पास साधन नहीं है तो मैं साइकिल से घूम रहा हूँ, साइकिल चला रहा हूँ और जा रहा हूँ। अभी हम मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास लखनादून जगह है, वहाँ पर थोड़ी दूर जाकर सिवनी है, सिवनी के पास में है ग्राम बर्रा, तो वहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध बहुत प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसका नाम आप पढ़ सकते हैं, जिसका नाम है ओम श्री सिद्धनाथ बाबा। यहाँ पर श्री सिद्धनाथ बाबा जी का मंदिर है। मित्रों हम देखते हैं कि मंदिर कैसा है, चढ़ाई काफी ऊपर है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि कितने ऊपर है, मैं तो जाता जा रहा हूँ, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कितना और जाना है अभी हमको। अभी अपन इतने आ गए हैं, ये देखिए आपको दिख रहा होगा नजारा, इधर से हम एंटर हुए हैं। अब कम से कम आप सीढ़ी दिखी है, ये देखो इधर से सीढ़ी है स्टार्ट हो रही है, तो चलते हैं। भाई अब तो इतने में ही पैर दुखने लगे हैं, अभी पता नहीं कितना और जाना है, बिल्कुल भी मालूम नहीं क्योंकि मैं इधर पर नया हूँ। भाई साहब मुझे लगता है शायद ऐसा लग रहा है इधर ही खत्म हो रहा है, अब देखो और भी हो सकता है ऊपर। ओह देखिए इतने ऊपर आ गए हैं, ये देखिए दोस्तों काफी ऊपर आ चुके हैं, अभी पता नहीं और कितना जाना है, चलो दौड़ते हैं थोड़ा सा। ओह टर्निंग पॉइंट, ये देखिए दोस्तों दिख रहा होगा आपको, ये देखिए वो गांव है छोटा सा जहां से मैं आया था, ये वो जगह है जहां से मैं आया था, अभी बहुत ऊपर आ चुके हैं अपन, बहुत ज्यादा ऊपर। अरे फाइनली दोस्तों पहुंच गए हैं क्योंकि मंदिर मुझे दिखने लगा है, शायद कोई इधर हो, इधर पर कोई भी नहीं है, बस हमारे प्रभु श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, और देखते हैं शायद कोई हो आसपास। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग है क्योंकि मैं इधर आया तो मैंने कहा अपने जो बाबा जी हैं उनसे मिल लूं, जो मैंने अभी आपको नाम बताया था। फाइनली दोस्तों देखो शाम होने वाली है, अभी टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं समथिंग, कुछ इस टाइप से हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजे हुए हैं। फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं, ये देखिए एक मंदिर ये है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि बहुत ऊपर जाना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं आना पड़ा, समथिंग वही आधा किलोमीटर पड़ा है मेरे को अगर देखा जाए तो, किलोमीटर के हिसाब से ऊंचाई मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं रहता कितनी रहती है, तो मैं आपको किलोमीटर में बता रहा हूँ, आधा किलोमीटर पड़ेगा मेरे से। आप आ भी सकते हैं इस जगह पे क्योंकि देखो इधर इतना ज़्यादा वो तो नहीं है, पर भगवान की जो महत्ता है वो अलग ही होती है और बहुत होती है, इसलिए आप चाहें तो आ सकते हैं। अब मैं आपको इधर से व्यू दिखा देता हूँ, थोड़ा एक बारी इधर से व्यू देख लीजिए आसपास का, नीचे का थोड़ा सा व्यू देख लीजिए कैसा लग रहा है, इस टाइप से थोड़ा इधर का व्यू है। अब गाइस इतना बड़ा मेरा कैमरा तो है नहीं, इतना महंगा फ़ोन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा दोस्तों, देख लीजिए आप व्यू देख लीजिए कि दोस्तों इधर से मैंने एंटर किया, इधर से मैं चढ़ के आया नीचे से इस साइड से, इधर से जैसे ही अपन आते हैं तो ये एंट्रेंस इस टाइप से है, ये मस्त से भगवान के मस्त से त्रिशूल बड़े बड़े, फिर अपन पास में आते हैं, एक त्रिशूल यहाँ पे लगा है, झंडे लगे हैं छोटे छोटे, ये देखिए दोस्तों ये कुछ इस टाइप से है, बजरंगबली की सुंदर मूर्ति है, देखिए आप थोड़ा बढ़िया से देखिए, ये देखिए दोस्तों इसके जस्ट सामने एक छोटा मंदिर इधर भी बना है। तो मित्रों यही है सिद्धनाथ बाबा जी की मड़िया जिनकी यात्रा हम कर रहे हैं। जय हो बजरंगबली, आशीर्वाद जरूरी है, इनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों ये मेरा पहला ब्लॉग था, मैंने ट्राई करा कि मैं ब्लॉग बनाऊं, ये मैंने आज से स्टार्ट कर दिया है और आगे भी ऐसे ही
ब्लॉग आते रहेंगे और मैं कोशिश ये करता हूँ दोस्तों आपको ऐसे ब्लॉग बताऊँ जो कोई नहीं बताता। चमत्कार भी बहुत होते हैं, उन जगहों का महत्व भी बहुत होता है, पर कोई बताता नहीं है। तो मैं आपको इसी तरह की जगह और इसी तरह के ब्लॉग बनाता रहूँगा। ऐसी ही हिस्टोरिकल वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें। और वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में जय बजरंगबली, जय श्री सिद्धनाथ बाबा जरूर लिखकर जाएं। मिलते हैं अगली हिस्टोरिकल वीडियो में।